हेलो दोस्तों, तो आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नया अपडेट लेकर जो इंस्टाग्राम में नवंबर मंथ में ही लॉन्च किया है। इसमें आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा बहुत ही इजीली और आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा एक नॉर्मल अकाउंट से, या फिर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा तो भी आप प्रोफेशनल से बना सकते हैं, जैसा मेरा अकाउंट बन चुका है वीडियो क्रिएटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले आपको एडिट प्रोफाइल करनी है, यहाँ पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट कर लेना। अगर आपने अपडेट कर रखा होगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्रिएटर में जाना है, उसके बाद आपको प्रोफाइल में आपका वो जो मेरा वीडियो क्रिएटर वो आ जाएगा आपको। उसके बाद फिर आपको मैसेज में और भी फंक्शन आ जाएंगे, उसके बाद आपके और भी बहुत सारे फीचर आपको अवेलेबल हो जाएंगे इंस्टाग्राम पर इसको ओके करने के बाद। तो मैंने ओके कर लिया। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने की, आप कौन हो। मैं वीडियो क्रिएटर हूँ। आप एक्टर बनना चाहते हो, आप एक्टर हो तो एक्टर हो आप कर सकते हो। उसके बाद आप कोई सा पॉलिटिक्स हो या फिर आप कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, कुछ पे भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। मैंने कर लिया वीडियो क्रिएटर। उसके बाद ये बता रहा है डिस्प्ले कैटेगरी लेबल, जो मेरा लेबल था ना उसको ही डिस्प्ले कैटेगरी लेबल बोलते हैं, तो उसको आप यहाँ सर ऑन कर लीजिए ताकि मेरा रिसर्च टैग के नीचे आपको वीडियो क्रिएटर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो क्रिएटर अब मुझे देखने को मिल गया है। अब ये मेरा काम हो गया है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और चलते आगे की प्रोसेस पे, आगे देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं। अब इसमें बता रहा है कि ये पूरे फंक्शन हो गए हैं, आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है। पर आप देख सकते हैं कि आपके क्या क्या नए नए ऑप्शन आए हैं। तो आप सबसे पहले आपके प्रोफाइल से शुरू कीजिए और आप एडिट प्रोफाइल में मैं जाता हूँ, देख लेता हूँ क्या फंक्शन क्या फीचर्स नए आए हैं। तो एडिट प्रोफाइल में गया, आप देख सकते हैं प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में पूरा एक ब्लॉक आ गया है, चार में से चार आपको एक नए अपडेट मिल गए हैं। इसमें आप पेज क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक का, उसके बाद आपकी कैटेगरी बदल सकते हैं, कॉन्टेक्ट ऑप्शन में आके आप जीमेल ईमेल जो भी आपका ईमेल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको और भी कुछ इसमें पब्लिक डिस्प्ले प्रोफाइल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर प्रोफाइल में आपको ये आपका वीडियो क्रिएटर जो भी आपको छुपाना हो तो आप वो भी कर सकते हैं वैसे। तो दोस्तों, अब आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो चुका है, अब आपके अकाउंट में अपडेट की बार लग जाएगी। तो आप देख सकते हो इसमें मेरे को सबसे पहले तीन वाली डॉट में आपको अर्चियो और इनसाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। अर्चियो में आप वो सारी स्टोरी देख सकते हो जो अभी तक आपने डाली है और उनको आप आपके हाईलाइट में भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर ये तो आपको पहले भी अपडेट मिल चुका होगा, लेकिन इसमें एक न्यू फीचर है कि आपके जो सबसे पहले भी होगी ना वो भी दिख जाएगी, मतलब सारी टोटली आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख जाएगी इस डेट वाइज। उसके बाद दूसरा आएगा इनसाइट। इनसाइट में आपको तीन ही नए मिल जाएंगे, कंटेंट एक्टिविटी ऑडियंस, आपको ये तीन नए अपडेट मिल जाएंगे। कंटेंट में अभी तक आपने जो स्टोरी डाली है, जो आपने फोटो डाला है, जो भी आपने आपका जो भी वीडियो डाला है वो सब आपकी यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या उस पर एक्सप्रेशन आए हैं। उसके बाद फिर आपका एक्टिविटी में जो जो आपने अभी एक्टिविटी करी है, प्रोफाइल आपकी कितने लोगों ने विजिट करी, डिस्कवरी, उसके बाद कितने लोग आपके प्रोफाइल से इम्प्रेस हुए, उन्होंने आपको लाइक बटन दिए, ऑडियंस में आपके कितने फॉलोअर कैसे बढ़ते हैं, आपके मंथली कैसे बढ़ते हैं, आपके ईयरली कैसे बढ़ते हैं, सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, आपके डेट वाइज अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद टॉप कंट्रीज या टॉप सिटीज़ में आपके कहाँ कहाँ पर फॉलोअर है वो फॉलोअर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एज रेंज का भी आपको मिल जाएगा कि किस रेंज के आपके फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मेरे इसमें 18 से 24 के सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मेल फीमेल, उसके बाद आपको जेंडर मिल जाएगा कि आपके कितने फॉलोअर मेल है, कितने फॉलोअर वो मैन है। उसके बाद फिर आपको फॉलोअर कैसे किस सीरीज़ में आपके डिक्रीजिंग हो रहा है कि इंक्रीजिंग हो रहा है, ऐसा फ्लो चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एज अ बहुत ही प्रोफेशनली अकाउंट में लगता है। और आप देख रहे हो ना ब्लू टिक वाले का यही अकाउंट में यही सारे फीचर्स होते हैं। अब स्टोरी की बात कर लेते हैं, स्टोरी में आपको एक नया ये थ्री लाइनिंग वाला एक एज अ बार दिखने वाला आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। इस अपडेट में आपने किसी को भी मेंशन किया होगा तो उस पर किसने क्लिक किया, आपने खुद को मेंशन किया हो तो आप पर किसने क्लिक किया, उन टैग्स पर किसने क्लिक किया यहाँ पर वो शोन हो जाएंगे, कितने इससे इम्प्रेस हुए, कितने प्रोफाइल आपकी विजिट करी स्टोरी से, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल और प्राइवेसी लगता है। और आपको बता दूँ कि जो भी ब्लू टिक आप देखते हो ना वेरीफाइड अकाउंट, वो यही सारे फीचर्स यही सारे अपडेट
अपने को तो ये अपडेट है लेकिन उनको ये सारे फीचर्स पहले से अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हो कितने टेक्नोलिकल हो सकते हैं, जो कितने टेक्निकली उनको ये सारे मिल जाते हो और उनको ही नहीं पता होगा कि उनके पास इतने अपडेट है। आप पोस्ट और अपने फीड की बात कर लेते हैं तो पोस्ट में भी आपको अपडेट देखने को मिल जाता है कि अगर आपको कितने लाइक किया है। ऐसा एक नए फंक्शन है, ऐसा नए ग्राफिक में आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर। उसके बाद आप आपकी प्रमोट कर सकते हो, आपकी पिक्चर को एडवर्टाइज़ कर सकते हो आपकी पिक्चर को यहाँ से डायरेक्ट एक बिजनेस पार्टनर बनाकर, और भी बहुत सारे आपको अपडेट देखने को भी इसमें मिल जाते हैं। न्यू ग्राफिक्स आ जाते हैं, डार्क मोड तो पहले से ही था। उसके बाद देख सकते हैं प्रमोशन और ईमेल का डायरेक्ट ऑप्शन आपके इसमें आ जाएगा। एक और बिल्कुल शानदार सा अपडेट, अब क्या बच्चे की जान लोगे, इतने अपडेट मिल गए इंस्टाग्राम में। अब कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, प्रेस ब्लैक एंड कर देना ताकि आपको मेरी नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।